नमस्कार, स्वागत है बकरी पीस मीडिया में। मैं मोविन नजर। हमारे कार्यक्रम जन आंदोलन में हम खड़े आज़ाद मैदान पर, और हमारे साथ है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता और जो बांधकाम करते हैं। हम सीधे संवाद करेंगे कि इस मुद्दे पर वे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और क्या मांग वे सरकार से करते हैं, क्योंकि वो बड़े पैमाने में इस आज़ाद मैदान में आज आए थे और यहाँ पर उन्होंने आंदोलन किया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। किस विषय पर आज आप यहाँ पर आंदोलन करें? देखिए, आज जो यहाँ पर जो बांधकाम के मजदूर जो है सारे महाराष्ट्र से आए हुए, तो ये मजदूरों की मांग जो है, ये मांगों को आज जो है सरकार द्वारा कुछ समर्थन प्राप्त हो, इस वास्ते आज यहाँ पर आए हुए हैं। सारे महाराष्ट्र से लोग आए हुए, नासिक है, नागपुर है, उसके बाद वर्धा, उसके बाद अपने जलगांव है, और ख़ास तौर से कोल्हापुर में से बड़ी तादाद है, कोल्हापुर सोलापुर से बड़ी तादाद है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और पैसे जब से नोटबंदी हुई है, जब से नोटबंदी होने के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस इंडस्ट्री में हुआ है। सारे बांधकाम बंद हुए हैं और ये लोग जो है बेरोज़गार जैसे हो गए। बेरोज़गार हो जाने के बाद जो है ऐसी हालत में है ये कि एक तो उन्हें रोज़गार चाहिए, और दूसरा ऐसा है कि जो पहले एक निर्णय हुआ था कुछ साल पहले के पिछली सरकार के वक्त में, कि जो कंस्ट्रक्शन होता है उस कंस्ट्रक्शन में जो फ़ायदा होगा उसका 1% जो है वो 1% सेस करके जमा किया जाएगा, और वो जमा होगा, वो एक मंडल बनेगा, और वो मंडल बनकर वो पैसा वहाँ पर आएगा। और आज जो है जो बांधकाम का मंडल है, वो मंडल के में करीब 5,000 करोड़ रुपए जमा है। ये किसके लिए जमा है? ये मंडल बनते समय ये तय हुआ था कि ये इनके लिए होगा, ये बांधकाम मजदूरों के लिए होगा। ओके, जो 5,000 करोड़ है, जितने भी मजदूर है सभी के लिए, ऑल ओवर महाराष्ट्र। हाँ हाँ, ऑल ओवर महाराष्ट्र के लिए है, ये एक मंडल में है, और वो उसके लिए बेनिफिट जो क्या देना है वो मंडल तय। ये सारी बातें हुई, ये तय हुआ, चीफ मिनिस्टर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि नहीं हम 5,000 रुपये आपको बोनस देंगे साल में एक बार। उन्होंने ये कहा कि नहीं हम मेडिक्लेम शुरू करेंगे, मेडिक्लेम के लिए उन्होंने बात मान ली, और मानने के बाद शुरू भी किया कोल्हापुर में, पुणे में, बाकी जगह मेडिक्लेम शुरू हुआ। और वो मेडिक्लेम का फ़ायदा ये था कि परिवार के 6 लोग तो उसमें जुड़े हुए थे। तो ये जो सब चीज़ें हैं, उसके बाद जो है एजुकेशन के बारे में और बाकी सुरक्षा के बारे में, ये बहुत अच्छे ढंग से ये स्कीम थी और बहुत फ़ायदा होने वाला था, और आज भी फ़ायदा हो सकता है। इतने पैसे पड़े हैं कि अगर 100 करोड़ भी खर्च कर दो तो लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन सरकार जो है वो उन पैसों को जो है वो अलग मद में खर्च करना चाहती है। वो मंडल का जो काम है वो उन्होंने बिल्कुल स्थगित करके रखा हुआ है, और आज भी आज आप हम लोग आए हैं तो मंत्रालय में कोई भी मंत्री नहीं। ये मोर्चे की पहले पुलिस को पहले जिम्मेदारी देनी पड़ती है, या हम पहले एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन करने के बाद पूरी जानकारी देते हैं और मंत्री को उसकी निवेदन देते हैं। इसका मतलब सबको पता था कि आज हम आने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक भी मंत्री नहीं है। आज वहाँ पर जो है सेक्रेटरी से मिलने के लिए हमारे साथी लोग गए हुए हैं। तो सच पूछो तो ये बांधकाम मजदूर जो है एक बहुत ही हिंदुस्तान में हर चीज़ का निर्माण करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, बड़े बड़े पुल बनाता है, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, नई चीज़ें सब बनती हैं, लेकिन ये मजदूर के बारे में जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान जो है सरकार नहीं दे रही। ओके, ये जो चीज़ कभी तक ठीक था और कभी ये हालत बिगड़ने लगे हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले तो कुछ भी नहीं था जब यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी, उस समय ये उन्होंने हमारे सुझाव को माना और उन्होंने 1% सेस लगाकर वो मंडल बनाया, वो मंडल शुरू हुआ था। तो ये जो पहले ये बन गया था और ये नई बात नहीं, और उसका बेनिफिट भी लोगों को मिला, और बेनिफिट बढ़ने की बात थी, घटने की बात नहीं थी। एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी मदद का था, हर चीज़ के बारे में था वो। लेकिन अब वो मंडल जो है वो मंडल को स्थगित किया है, उसका कोई काम काज होता नहीं है। तो ये फडणवीस जी के सरकार में हुआ है, ये फडणवीस सरकार जो है वो कुछ नहीं करना चाहती है। बात करते हैं सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, पर कोई विकास नहीं है अब, और ये ऐसा विकास ही नहीं है जो हमारा हक है, वो तैयार नहीं है। उनके खजाने से एक पैसा जाने वाला नहीं है। खजाना जो है वो सारा का सारा जो है वो पैसा जो है 5,000 करोड़ रुपये, ये जमा किए गए सेस के रूप में, ये बांधकाम मजदूरों के बारे में, ये किसी और के लिए नहीं है। ना सरकार ने एक पैसा उसके अंदर डाला। जब सरकार का कोई खर्च नहीं होता है और हमारे लिए जमा किया गया और लोगों का उसको बंटवारा नहीं किया जाता है, ये गलत है।
और इसी वजह से आज हम लोग यहाँ मांग लेकर आए कि कम से कम आप मेडिक्लेम तो शुरू कीजिए, कम से कम आप बोनस की व्यवस्था कीजिए, बाकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो दीजिए, अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमें उसका मुआवजा मिले। कल समझो काम करते समय दो माले से गिर गया, आदमी मर जाएगा, तो उसको तो मुआवजा मिलना चाहिए। अगर वो अगर कोई ज़्यादा उसको फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार में लोग बीमार हो गए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये राष्ट्र मांग है, ये कोई हम कोई उनका राज नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं कि हमारी रोज की जरूरत की चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें मिले, और हम भी एक समाज का एक जो एक ऐसा घटक है जो हमेशा मेहनत करता है, ऐसे घटक को सहारा देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वो सरकार ये जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती। ओके सर, आप आगे आओगे। आपका नाम? पद्मनगर कमले। आप कौन से जिला से आए? वर्धा से। वर्धा से क्या क्या समस्या आपको हो रहा है? हमारी समस्या ये है कि अभी मेरे को दो लड़के है, एक बीएससी नर्सिंग में नागपुर में पढ़ती, लेकिन मैं कामगार हूँ, पेंटर कामगार में वर्धा में नाम लिखा है। अभी मेरे को एक फायदा मिला था, पिछले साल में मेरे लड़के को 15,000 रुपये मिले थे, अभी डाला सेकंड ईयर का फॉर्म तो अभी तक पैसा नहीं आया, और 5,000 रुपये आने वाले थे बोले, ये 5,000 भी नहीं आए। ओके, तो क्या मांग करोगे आप सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे जो मजदूर लोग है, हम जो काम करते हैं, हमको जो हमारा लड़के को जो बेनिफिट मिलता है, हमको जो पैसा मिलता है, जो हम लाभार्थी है, वो पैसा देना चाहिए गवर्नमेंट ने, लेकिन वो ऐसा कर रहे नहीं। ओके, आपका नाम? ये अमृत मिश्रा है। आप क्या बोलना चाहोगे? जलगांव से आए हैं, और हमारे जो जलगांव जिले के अंदर जो काम है ये बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है, यानी उस पर कोई भी गति का प्रयास नहीं हो रहा है, और जो भी काम हो रहे हैं बस सब टेम्प्ररी कर्मचारी है, वहाँ कोई सरकारी परमानेंट कर्मचारी नहीं, तो हमारी सरकार से मांग है कि भाई वहाँ परमानेंट कर्मचारी नहीं। ओके सर, आपका नाम? मेरा नाम है अमृत मिश्रा, मैं नागपुर से हूँ। ओके, ये बांधकाम कामगार जो सवाल है ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, जैसे कि इसके पहले की सरकार ने, यानी बीजेपी सरकार के पहले कांग्रेस सरकार ने केंद्र में एक कानून पास किया था 2008 में, उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन हर स्टेट में हुआ, महाराष्ट्र में भी स्टेट में हुआ, उसकी जो ये थी पॉलिसी थी, स्कीम थी, वो स्कीम बनाने के लिए उन्होंने 2 साल लगा, उसके बाद में 2011 के बाद में ये सब शुरू हुआ, और ये देखा गया कि जैसे जैसे कामगारों की डिमांड थी कि उनके बच्चों को शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ मुआवजा होना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि 9वीं क्लास तक 100 रुपये प्रतिमा हम देंगे, उसके बाद में कुछ 1 साल दिए उन्होंने, बाद में बंद कर दिए, अभी भी कहीं प्रपोजल जो है वो कमिश्नर के पास पड़े हुए, उसके बाद में इंजीनियरिंग और मेडिकल करने वाले पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको भी 35,000 एक साल का वो किताबें खरीदने के लिए देंगे, वो भी स्कीम बंद हो गई है। डिलीवरी का जो सवाल है, एक आधी प्रेग्नेंट मजदूर है उसको कुछ पैसे देना है, तो वो भी था लेकिन वो भी बंद हो गया, कहीं हजारों के प्रपोजल्स ना पड़े हैं, और ये देखा गया है कि सरकार बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, गलत बात है, क्योंकि ये जो पैसा है 5,000 करोड़ के करीब वो गवर्नमेंट का पड़ा हुआ है, उसका ब्याज आता है, ब्याज का भी ये खर्चा, ब्याज का भी जो पैसा है ये मजदूरों के कल्याण के लिए वो नहीं करते, इस प्रकार ये सरकार उदासीनता है। अभी मेडिक्लेम जिसके बारे में बोला है कि कोई मजदूर काम करते करते नीचे गिरा तो उसको 5,000-5,00,000 मिलने तक उसका प्रावधान था उसमें, लेकिन अभी देखा गया कि वो स्कीम ही बंद करके रखा है, तो किसको मिलेगा? अरे एक आधा कामगार ऊपर काम करते सेंटिंग टोकते हुए या सीमेंटिंग करते वक्त एक दिन से गिर गया और मर गया, तो उसके परिवार को कुछ मिलने वाला नहीं है, ना वो ठेकेदार देगा ना कोई देगा, तो उसका तो जो मरना है वो बेफजल हो जाएगा, उसको कुछ मिलना नहीं, तो ऐसे हालत में ये जो मेडिक्लेम का जो है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सीमेंट में काम करते हैं, सीमेंट का काम करते करते वो जो उसका डस्ट है वो डस्ट नाक में जाता है, मुंह में जाता है, तो उससे वो टीबी जैसे बीमारियां होने की ज़्यादा संभावना होती है, उसके बाद में उसका आवाज़ का गले का ये जो कुछ भी बीमारियाँ बढ़ती हैं, तो ये बीमारी होने के बाद में काम सरकार का करेंगे, शेष जो जमा होगा सरकार के खजाने में होगा, और ये जो मजदूर है वो मजदूर केवल 200 और 300 रुपए रोज कमाता है, वो अपने इस वेजेस से पगार से वो ये बीमारी पर खर्चा करके हो नहीं सकता, तो ऐसे हालत में ये जो सरकार है, सरकार ने ये जो कुछ सुविधा है पहले उसमें बढ़ोतरी ना करें वो चलेगा, लेकिन जो सुविधा है मेडिक्लेम जैसी जो पॉलिसियाँ है वो रखना की ऐसा है। क्या क्या समस्या आपको हो रही है? सरकार तो अपना कार्य जैसे हमने सुन रहे हैं सही प्रकार से नहीं कर रहे, क्या बोलना चाहोगे आप सरकार को? सरकार ने सुविधा तो की है, केवल वो है ना पर्ची पर वो लिखाया है खाली, लेकिन वो पर्ची पर जो लिखा हुआ है वो तो खाली
हाँ, वो खाली पर्ची पर है, वो तो देती नहीं है। अभी इसमें जैसा है कि उसमें तुरंत उसमें है ना डबल फीस किया है कि डबल हम लोग उसका मुनाफा देंगे, लेकिन मुनाफा किसको दे रहे, किसी को नहीं दे रहे अभी तक मुनाफा। अभी ये जो अभी हमारे इन्होंने एक बंदे ने बताया कि जो मरते हैं लोग अभी डस्ट के वजह से मरते, कुछ बीमारी के लिए मरते हैं, उसका आरोग्य सुविधा तो उन लोगों का है नहीं, वो भी उन लोगों ने खत्म कर दिया है। अभी ये जो वर्कर है वो वर्कर का इतना संरक्षण बोलते हैं हम लोग उनको कि संरक्षण देना चाहिए, और ये बोलते हैं पहले संरक्षण हम उनको देंगे, तो किस तरह दे रही है गवर्नमेंट उनको संरक्षण, जबकि उनका उनके बीवी का उनके फैमिली का कुछ भी दे रही नहीं है। और उसमें डिक्लेयर किया हुआ है कि हम फैमिली को पूरा इंश्योरेंस देंगे, लेकिन इंश्योरेंस के नाम पर अभी तक किसी को दिया नहीं है। और तुरंत जो जो कामगार वहाँ पर चला जाता है, तो कामगार चला जाता है तो उसमें 5,000 का मुनाफा उनको दिया जाता है तुरंत ही, जो उसका अंतिम विधि करने के लिए, तो उसका भी विधि किसको किसको मांगना है। वो बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यंत्रणा हमारे पास कम है, यंत्रणा चलाने वाला कोई नहीं है, हम दोबारा ये काम कर नहीं सकते, हमारा काम भी पहला है और ये हम लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो फिर इतना पैसा रह के भी ये जो कामगार है वो अभी तक ऐसे ही है, पैसा तो है मंडल में भी पैसा है, 5,500 कोटी रुपये किसको बोलते हैं, इतना पैसा होकर भी इनकी सुविधा नहीं है। अच्छा, पिछले बार एक कम से कम हमारे पास, मैडम आप क्या बोलना चाहोगे इस विषय में, हमारी सरकार तक क्या सूचना क्या संदेश आप प्रदान करना चाहोगे? बात करना चाहिए मराठी मराठी में। पहिले तर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे असं आहे की त्यांच्याकडे 5 करोडचं म्हणजे भरपूर सांगतात की गव्हर्नमेंटकडे आहे, पण गव्हर्नमेंटने आजपर्यंत 1 रुपयाचा पण लाभ चांगल्यापैकी दिलेला नाही। 5,000 रुपये ते तुरंत म्हणतात, परंतु इतक्या फेरी लावतात की प्रत्येक ठिकाणी ती 5,000 रुपये उपलब्ध त्यांच्याकडनं होत नाही, आणि जो गेलेला आहे त्याला जे आपण देणार आहोत पेन्शन असलं किंवा त्यांचा जो म्हणजे फायदा असतो 5 लाखाचा, त्याच्यातून विमा अजूनपर्यंत एकाही व्यक्तीला असं भेटलं गेलं नाही त्यांच्याकडनं। तेव्हा दरवेळेस आम्हाला कागदांवर क्वेरी लावतात, हा कागद पाहिजे तो कागद पाहिजे तो पाहिजे, फक्त क्वेरीवर क्वेरी लावत चालतात। याच्या प्रकारे अजून कुठल्याही प्रकारचं त्यांनी दिलेलं नाही। आज 3,000 जरी म्हटलं तर प्रत्येकाला सांगतात रिन्युअल करायला गेलं, ते म्हणतात रिन्युअल पाहिजे, ते रिन्युअल नाही आहे, ते रिन्युअलला ठेकेदार सही शिक्का देत नाही। सही शिक्का दिला तर त्या ठेकेदारांना जाऊन विचारतात की तुम्ही हा शिक्का कसा दिला, मग तुम्ही हा तर किती दिवस तुमच्याकडे कामाला होता, मग ते घाबरून ते शिक्का देत नाही। म्हणजे लोकांना अशा प्रकारे खूप प्रकारचे त्रास देणे लावले, आणि आम्हाला वेळोवेळ ते आम्हाला राशन कार्डमध्ये नाव डुप्लिकेट टाकलेलं आहे, तुम्ही एक काम करा त्या तहसीलदारची सही आणून द्या, मग तो खरोखर टाकला आहे की नाही। म्हणजे इथपर्यंत जर सर्वच गोष्टी लावायला लागले तर आम्ही कशा प्रकारे त्या लोकांना दिलं पाहिजे लाभ, हे एवढं समजत नाही आम्हाला। ओके मॅडम, आपलं कोण जिल्हा आहे? मी नाशिक से। नाशिक से आप? जलगाव से। मॅडम आखिर में बहुत कम समय में क्या सूचना क्या संदेश आप प्रदान करना चाहोगे, किस तरह से सरकार आपकी मदद करे? हम ये चाहते हैं कि हम सबको पेंशन योजना की और ले जाना चाहिए, और हमको जो सुविधा है अस्पताल की और शिक्षा की बच्चों के लिए और सब शिष्यवृत्ति वगैरह सब मिलनी चाहिए हमको, और इसीलिए हम इसके लिए आए। और राशन कार्ड में हमको सभी सुविधाएं चाहिए जो सबको मिल रही है, वो सब कुछ हमको चाहिए। और हमारे वो वाला पत्र है ना, उसको रिन्यू करना देना चाहिए। ओके, रिन्यू नहीं कर देते, बहुत बहुत घुमाते हैं, ये कागज लाओ वो कागज लाओ ऐसे बनाते हैं और भेज देते हैं सब लेडीज लोग को देते हैं। धन्यवाद सभी का। तो ये थे सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन के सदस्य हमारे साथ, जो जो उनकी शिकायत थी सरकार के प्रति उन्होंने हमारे सामने रखा, और जो जो उनकी मांग है सरकार से, हम चाहते हैं कि सरकार से हम प्रार्थना करते हैं विनती करते हैं कि जो भी इनकी मांग है वे कम से कम समय में पूरी करें, ताकि हमारे जो बांध काम के मजदूर हैं वो भी यत्न के साथ काम करें और एक उज्ज्वल भारत बनाए। धन्यवाद।